गाड़ी भर ली है भादरी के लिए। तो इस भादरी की ओर चलते हुए और आपको दिखाएंगे गाइस, रोड अच्छी है गाइस, तो भादरी खाली होगी, फिर भादरी से जाएगी सरदार सर, उधर से वापस करके चलना है, दिखाते हैं गाइस आपको। चलना ही है, क्या वो तो क्या कहने की बात है, लेकिन हाँ गाइस जल्दी चलो या धीरे, बस सेफ्टी के साथ चलो, कुछ भी कुछ नहीं होता गाइस, हर चीज़ की सेफ्टी होती है। स्पीड है तो बस 60-70 चलाओ, लोडिंग में कोई मुश्किल नहीं आती। पिकअप चलाते हो तो 60-70 की स्पीड चलाओ, लोडिंग गाड़ी कोई मुश्किल नहीं है, कितने भी मोड़ हो, खतरनाक मोड़ है उसमें भी कट जाती है, लेकिन गाइस 100 चलाओगे तो मोड़ में मुश्किल ही होगा पिकअप के लिए। चलो गाइस मिलते हैं आगे। फाइनली 50 में देने को उतार दिए हैं, थोड़ा जल्दी में हो तो इसलिए वीडियो भी नहीं बना पाया, और अभी आगे का बालरी में उतारेंगे, खाली पूरा वहाँ हो जाएगा, उससे आगे खाली चलना है सरदार सर तक, फिर उधर से बनना है। चलो गाइस बाय। ये वालेरी है गाइस, यहाँ तो लंबा थोड़ा नहीं है वालेरी, सफर को कंटिन्यू। हाँ गाइस जब जा रहे हैं सरदार सर, वही रात गए थे वो तो गए थे क्या बोलते हैं उसको, भंडारा का सामान छोड़ दे, अब मीठा तेल लेने के लिए सरसों का। देखो गाइस हिम्मत है इन लोगों में, जैसे साला सर जाते हैं ना, ये देखो पैदल यात्री है, लेडीज वगैरह भी जा रहे हैं, वाला देता है हिम्मत भी, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पे है गाइस क्या बोलते हैं वो ओम बन्ना जी का धाम, ये ओम बन्ना जी, गाड़ी खड़ी है दिखा भी देता हूँ। फाइनली गाइस गाड़ी भर के निकल पड़े, चल पड़े इधर से सरदार सर से, तो कम से कम काफ़ी दूर भी आ गया, 10-12 किलोमीटर आ ही गया मैं, अंधेरा भी हो गया, मुमकिन 7:45 हुआ, अभी 6:50 हुआ है, 8 बजे ये खत्म जाएगा, तो आज जल्दी सफ़र ख़त्म हो जाएगा। और सुनाओ गाइस कैसे हो आप सब, हाँ गाइस सपोर्ट ज़रूर किया करो, फिर आप बोलोगे कि बारी बारी बस यही सबक बोलता है, क्या करें गाइस बोलना पड़ता है, मजबूरी होती है बोलने के भी, और आप सपोर्ट करोगे तो नहीं बोलेंगे ये बात भी, इतना उसके उतना सपोर्ट करो आप नहीं बोलेंगे, ये साला सिर्फ पैदल जाने वाले हैं। देखो गाइस ऐसी रोड हो, कितना भी लोड हो, 3 टन लोड हो पिकअप में कोई मुश्किल नहीं, ऐसी रोड मिल जाए बस कितना भी लंबा सफ़र हो, कई बार गड्ढे वाली ख़त्म, एक सिंगल रोड मिल जाए तब बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो गाइस सामने से गाड़ी आ रही है, फिर भी पीछे वाला देखो आउट टक्कर नहीं सोच रहा है, ऐसे लाइट दे रहे हैं, देखो ये मोड़ है लेकिन फिर भी नहीं रुकेगा, वो देख लेना, वो देख लो पीछे से आ ही गया, को मतलब नहीं है, देखो बेचारे साला सर वाले पैदल जाने वाले भी आ रहे हैं इधर से, कोई मतलब नहीं है गाइस, वो तरफ चलते हैं कई कई, तो गाइस क्या करें उनके बहुत जल्दी रहती है घर जाने की, बस और क्या है। फाइनली पहुंच गए हैं भालेरी, और देखो गाइस फाइनली भालेरी में एंट्री कर लिए गाइस, अभी जाते टाइम काजू का भूल गया था, पॉलीथिन काजू देना है उस भाई को, चलो गाइस मिलते हैं आगे, आप भालेरी पार कर लेते हैं। तो
गाइस फाइनली आ ही गए हैं हमारे गांव और महारो तारा नगर आए जो गाइस। तो गाइस जैसे कि वो या तो नहीं 5-1 किलोमीटर है उस घर से, तो इसे तो आ ही गए बस गांव में। ज़्यादा दूर नहीं रहा गाइस, बस घर देखो गाइस 5 या 7 किलोमीटर दूर रहता है ना, बस ऐसे लग रहा है बस घर आ ही गया, बस आ ही गया, मन में यही चल रहा है बस घर तो आ ही गया। फाइनली गाइस हमारे गांव की ओर मुड़ने वाली रोड पे टर्न लेते हैं और आप भी देख लेना गाइस, ये हमारा बायपास। इधर आगे तो राजगढ़ भी जाएगी, चूरू की रोड भी पड़ती है, सावा की भी पड़ती है, बहुत आगे आई है। देखो इधर आ गए